टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.7। 3.7 आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। 3.7 के अंदर आपने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है, और यह कि याद रखिएगा एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब यह है कि आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एरिया का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर पर वाई की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी मेरा फंक्शन जो है वो क्या है वाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है एक्स इक्वल टू वन से लेकर एक्स इज इक्वल टू टू तक। और मुझे पता है कि अगर मैं ये वैल्यूज वन से टू तक जो मेरी डोमेन है फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन में पुट करूँ तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन पॉजिटिव आंसर आएगा, टू पुट करें तो टू का स्क्वायर वन, यानी आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप इसका सिंपल एरिया फाइंड करेंगे, इसमें आपको कोई भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है। यानी कैसे करेंगे, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अब मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एरिया मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा वन से टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वन की इंटीग्रेशन कर लें तो एरिया इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स लिमिट टू से वन। अब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें तो एरिया इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट टू का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू, फिर माइनस क्योंकि लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस आता है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन। अब एक तो ये आपके पास एरिया बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू एट बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री और टू माइनस वन प्लस वन, ये टू का क्यूब एट डिवाइडेड बाय थ्री, वन का क्यूब वन डिवाइडेड बाय थ्री और टू माइनस वन आपके पास प्लस वन। इनमें एलसीएम ले लें तो थ्री एलसीएम आ जाएगा, तो थ्री एलसीएम लेने से मेरे पास आ जाएगा थ्री एट माइनस वन प्लस थ्री, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है थ्री वन दर थ्री, एट माइनस वन सेवन, सेवन प्लस थ्री टेन, तो टेन डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर वन किया है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व वाई बराबर है फाइव माइनस एक्स स्क्वायर के, एक्स माइनस वन से लेकर एक्स इज इक्वल टू टू। तो अगर मैं माइनस वन से टू तक कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूँ, फाइव माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, फाइव माइनस वन फोर आ जाएगा, जीरो पुट करूँ तो फाइव आ जाएगा, वन पुट करूंगा तो मेरे पास आपके पास फोर आएगा क्योंकि वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, फाइव माइनस वन फोर, और टू पुट करने से टू का स्क्वायर फोर, फाइव माइनस फोर, तब भी मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। यानी ये लिमिट पुट करने से वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वाई क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे पास एरिया क्या बन जाएगा, एरिया मेरे पास आ जाएगा लिमिट टू से लेकर माइनस वन से लेकर टू तक और फाइव माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फंक्शन। अब मैं इसका इंटीग्रल ले लूं तो एरिया मेरे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री और लिमिट माइनस वन से टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय थ्री, पहले अपर लिमिट पुट कर लें तो एरिया इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई टू माइनस टू का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दरमियान में साइन चेंज होगा, तो आपके पास माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन और प्लस माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने से एरिया इज इक्वल टू फाइव टू आर टेन माइनस टू का क्यूब एट, एट डिवाइडेड बाय थ्री, माइनस माइनस प्लस फाइव अंदर फाइव और माइनस वन का क्यूब, आपके पास माइनस वन आएगा तो माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री। अब एरिया इज इक्वल टू थ्री एलसीएम थर्टी माइनस एट प्लस फिफ्टीन माइनस वन, या आप पहले इन दोनों को माइनस करने के बाद भी स्टेप कर सकते हैं, तो थर्टी प्लस फिफ्टीन आपके पास 45 और माइनस नाइन डिवाइडेड बाय थ्री, 45 माइनस नाइन आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय थ्री, और 36 बाय थ्री आपके पास हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास फाइंड द एरिया बिलो द कर्व वाई इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट एक्स।
एंड अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर और इस कर्व से नीचे, एक्स इज इक्वल से 1 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 4 तक, 1 टू 4 आपकी लिमिट्स, और उनके दौरान वाई ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1 टू 4 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल ले लें तो एरिया इज इक्वल टू 3 एज इट इज, x की पावर 1 बाई टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई टू प्लस 1 और लिमिट 1 से लेकर 4 तक। ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 3 x की पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाय 3 बाय टू लिमिट 1 से 4 तक। 3 और 3 कट जाएगा, 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 2x की पावर 3 बाय टू और लिमिट 1 टू 4। अब लिमिट पुट कर लें, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 पावर 3 बाय टू माइनस 2 टाइम्स 1। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर पावर 3 बाय टू माइनस 2। अच्छा, इसकी पावर 3 बाय टू है और 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आएगा। ये 2 और 2 कट जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 2 का क्यूब आ जाएगा और 2 का क्यूब 8 के बराबर है और माइनस 2, 2 8 आर 16, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, अगर मैं ग्राफ बना के चेक करूं तो मेरे पास माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू, जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूं करके बनता है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू जो ग्राफ बनता है कॉस का वो ये बनता है। इसका मतलब है तमाम का तमाम एरिया क्या है, पॉजिटिव है, यानी कॉस की तमाम वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव। कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो लिमिट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के दरमियान में। तो मेरे पास जो एरिया बनेगा, एरिया इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो कॉस का इंटीग्रल होता है वो आपके पास होता है साइन एक्स, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू साइन एक्स पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू तक। इसके अंदर अब आप लिमिट्स पुट कर लें तो आपके पास बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस साइन माइनस पाई बाय टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और साइन में जो एंगल के साथ माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आके हो जाएगा प्लस, तो एरिया इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू प्लस साइन पाई बाय टू। आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू मतलब साइन 90 डिग्री और साइन 91 के बराबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर। अब इसकी मुझे लिमिट्स नहीं पता, इसके लिमिट्स मुझे नहीं पता, यानी लिमिट मैं सबसे पहले फाइंड करने के लिए मुझे ये पता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसके पॉइंट फाइंड करना चाहूँ तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो तो वाई की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, जीरो। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो मैं यहाँ जीरो पुट करके इसकी लिमिट फाइंड करूंगा, जीरो 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स आप कॉमन कर ले तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स। अब 4 माइनस एक्स और एक्स दोनों लेते लेते 0 के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 0 एक लिमिट और एक्स इज इक्वल टू 4 सेकेंड लिमिट, यानी मेरे पास जो इस फंक्शन की लिमिट बनती है वो कहां से बनती है, 0 से 4 तक। अब अगर मैं 0 से 4 तक चेक करूं तो 0 से 4 तक यहां पे कोई भी वैल्यू पुट कर ली जाए, आपके पास 0 से 4 तक कोई भी वैल्यू पुट की जाए तो पहले 0 आंसर आएगा, फिर यहां पे 1 पुट कर ले तो बड़ी वैल्यू है 4 वन जर 4, 2 पुट करें तो तब भी ग्रेटर देन 0 है, 3 पुट करें तब भी ग्रेटर देन 0 है, और 4 पुट करें तब आपके पास 0 आता है, तो यानी इसके ऊपर आपके पास y की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास जो लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है, वहां पे मेरा एरिया फाइंड करना
दुरुस्त है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लिमिट 0 to 4, और मेरे पास फंक्शन क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। मेरे पास एरिया इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 4। अब ये 2 वन जार 2 और 2 टू जार 4, यानी ये 2x स्क्वायर बच जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट कर लें, तो एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और जब मैं लोअर लिमिट पुट करता हूं तो मेरे पास ये दोनों जीरो हो जाएंगे। क्यों, माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, जीरो। तो मेरे पास बचेगा क्या, एरिया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 टू दर 32 माइनस 4 का क्यूब 4 दर 16 4 दर 64 डिवाइडेड बाय 3। अब हम कर लेंगे लिमिट, तो लिमिट लेने से आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 32 3 9 3 2 6 माइनस 64। तो एरिया आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अब जो क्वेश्चन आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड द x एक्सिस। सबसे पहले इसको दोबारा 0 के इक्वल लेकर आप लिमिट्स निकालेंगे, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा और प्लस माइनस करके 2 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू x कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3। तो x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू 1 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, यानी माइनस 3 से 1 आपकी लिमिट्स बन जाएंगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ माइनस 3 पुट करूं तो क्या मेरे पास पॉजिटिव आंसर आता है, चेक कर ले। तो आपके पास सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9, यह आ जाएगा आपके पास प्लस 2 3 6 माइनस 6 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। और अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूं तो 0 पुट करने से, क्योंकि इसके दरमियान वाली लिमिट्स हैं, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 3, यानी आंसर हो जाएगा नेगेटिव, आपके पास आंसर पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो अब मेरे लिए इशू बन जाएगा। अच्छा, मैं इसमें 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, तब भी मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें आपके पास माइनस 3 पुट करने से आंसर नेगेटिव आ रहा है, माइनस 2 पुट करके चेक करता हूं, अगर मैं इसमें माइनस 2 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 3, तब भी माइनस 3 आता है, यानी इन दो पॉइंट्स के ऊपर आंसर 0 आ रहा है, और इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब अगर नेगेटिव आ रहा है तो एरिया मैंने आपसे कहा था नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन के लिए हम एरिया के साथ पहले ही माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो एरिया बनेगा वो बनेगा एरिया इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस 3 to 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। ये जो माइनस है वो मेरे एरिया को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, मेरे एरिया को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो लिमिट माइनस 3 से 1 माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, एरिया आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x और माइनस 3 से 1, ये 2 और 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब पहले जब मैं 1 पुट करूंगा तो एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये जो माइनस है वो सबको साइन चेंज कर रहा है। और जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो एक माइनस वो आना है और वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास इन सब के साइन सेम रहेंगे, यानी प्लस माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर
और माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो एरिया इज इक्वल टू वन बाय थ्री, माइनस माइनस वन प्लस थ्री माइनस 27 बाय थ्री, ये माइनस थ्री है, प्लस नाइन और प्लस नाइन, माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस हो जाएगा और ये माइनस का क्यूब आपके पास माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये आपके पास 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 क्योंकि दोनों माइनस होकर 2 आएगा 20, तो एरिया इज इक्वल टू 20 माइनस 1 बाय 3 माइनस 27 बाय 3। आप इनका एलसीएम ले ले, एरिया इज इक्वल टू 3 एलसीएम 60 माइनस 1 माइनस 27, एरिया इज इक्वल टू 60 माइनस 28 बाय 3, एरिया इज इक्वल टू 60 माइनस 28 32 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब प्लस 1, द x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 तक आपने एरिया फाइंड करना है, यानी आपके पास जो ग्राफ है उसके अंदर एक लाइन है जिसमें x बराबर है 2 के, तो यहां तक इसकी जो भी x क्यूब प्लस 1 का जो भी ग्राफ बनता है तो वो मुझे x इज इक्वल टू 2 तक क्या करना है, फाइंड करना है। x इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि ये एक मेरे पास लिमिट है, x इक्वल टू 2 से आगे मैं ऑनवर्ड फाइंड नहीं कर सकता। अच्छा, मैं उस x क्यूब प्लस 1 को सॉल्व करूं लिमिट्स निकालने के लिए इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 यहां से आएगा और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ मेथड, वो यूज कर रहा हूँ आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। क्यों? क्योंकि ये आपके पास दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं होगा, जो मेथड मैं ज्यादातर यूज करता हूँ जिसको मैं मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। अब अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास माइनस आ जाए तो ये बनते हैं इमेजिनरी नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स के जरिए हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो ये वाले रूट्स आपके काबिले कबूल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या रूट आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो मेरे पास जो लिमिट बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस वन से लेकर टू तक, क्योंकि टू तक उन्होंने मुझे लिमिट दी है और ये तो कोई है ही नहीं, तो माइनस वन से टू तक मैंने फाइंड करना है। और इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, अगर मैं माइनस वन पुट करूं तो जीरो आएगा, अगर मैं इसके अंदर जीरो पुट करूं तो प्लस वन आएगा, वन पुट करूं तब भी पॉजिटिव आएगा, टू पुट करूं तब भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर लिमिट माइनस वन से टू तक। यानी आपके पास सिंपली इसको सॉल्व किया जा सकता है, सिंपली सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसके आंसर नेगेटिव नहीं आ रहे। अब एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू माइनस वन टू टू और एक्स क्यूब प्लस वन डी एक्स, और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो एरिया इज इक्वल टू एक्स फोर बाय फोर प्लस एक्स और टू से माइनस वन तक। अब आपने लिमिट पुट करनी है, टू पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू एरिया प्लस टू माइनस माइनस वन पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर माइनस माइनस वन, आपके पास ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब एरिया इज इक्वल टू टू पावर सिक्सटीन फोर, टू पावर फोर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर प्लस टू माइनस वन बाय फोर और प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन, फोर वन जर फोर 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 जर सिक्सटीन, तो एरिया इज इक्वल टू फोर प्लस टू प्लस वन माइनस वन बाय फोर, तो एरिया इज इक्वल टू फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन, फोर एलसीएम सेवन फोर जर ट्वेंटी एट माइनस वन, तो ट्वेंटी सेवन बाय फोर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास आ जाएगा आपका आंसर।
क्योंकि 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आपके पास 7 आएगा, 7 4 जार हो जाएगा 28 और माइनस 1 तो आंसर आ जाएगा 27 बाय 4। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x एंड द x एक्सिस। तो सबसे पहले x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन कर लें तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एक लिमिट, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये आपके पास तीन लिमिट बन गई। एक आपके पास 0 माइनस 2 और 2, अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं आंसर 0 आता है, अगर इसमें मैं माइनस 2 पुट करता हूं तब भी आंसर 0 आता है और 2 पुट करता हूं तब भी आंसर 0 आता है। अब उनके दरमियान वाले नंबर, अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं तो आंसर नेगेटिव आता है और अगर माइनस 1 पुट करता हूं तो आंसर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब यह है 0 से माइनस 2 तक जो मेरा वाई है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर मैं माइनस 2 से 2 ले लूं तो मेरा वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी माइनस 2 से 2 तक जो आंसर आएंगे, सॉरी आपके पास माइनस 2 से 0 और 0 से 2, क्योंकि माइनस 2 छोटा नंबर है, माइनस 2 से 0 के दरमियान में पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं और 0 से 2 के दरमियान में वाई नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैंने चेक किया, कैसे 1 पुट किया, 1 का क्यूब माइनस 4 आंसर 4, 1 माइनस 4 माइनस में आएगा, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 0 से सॉरी माइनस 2 से 0 वाई। और मुझे पता है कि अगर आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, उससे पहले माइनस लगाना पड़ता है ताकि मेरा आंसर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस 0 से 2 तक y और dx, यानी अब आपके पास जो लिमिट वाले क्वेश्चन है वो 2 में डिवाइड हो गए, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो एरिया इज इक्वल टू माइनस 2 टू 0 x क्यूब प्लस 1 dx, सॉरी x क्यूब माइनस 4x, x क्यूब माइनस 4x dx और माइनस माइनस 2 टू 0 x क्यूब माइनस 4x सॉरी 0 से 2 dx, ये मैंने पुट कर दिया। अब मैं अगर इनकी इंटीग्रेशन ले लूं तो इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी एरिया इज इक्वल टू x 4 बाय 4 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस 2 से 0 तक, माइनस इसकी भी सेम इंटीग्रेशन माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसकी लिमिट है 0 से 2 तक। ये 2 1 जार 2 आ जाएगा और 2 2 जार 4, सेम यहां पे 1 एंड 2। अब आपने पुट करनी है इसमें लिमिट, अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट एरिया इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, अब दोनों के साइन चेंज क्योंकि लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस 2 पावर 4 बाय 4 और प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमने पहले वाले में लिमिट पुट कर दी। ये सेकंड वाला, सेकंड वाले में माइनस है तो मैं अगर इसको माइनस यहां लिख दूं यहां बाहर प्लस आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अपर लिमिट पुट कर लें तो 2 पावर माइनस 2 पावर 4 बाय 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और लोअर लिमिट पुट कर दें तो आपके पास प्लस 0 पावर 4 बाय 4 और माइनस 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्योंकि दरमियान में जो साइन है वो चेंज हो गए क्योंकि लोअर लिमिट में आपके पास माइनस आते हैं, तो अब ये सारे तो वैसे ही जीरो है, ये खत्म हो जाएंगे। तो एरिया इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 4 माइनस ये वाला, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 की पावर 4 16 बाय 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जार 8 माइनस 16 बाय 4 और प्लस 8 4 1 जार 4 4 4 जार 16 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16 तो एरिया इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 4 और प्लस 8 आपस में कैंसल आउट तो एरिया आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x एक्सिस। सबसे पहले उसको 0 के इक्वल लेकर 0 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 हम वैल्यूज निकालेंगे x की, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 0, x की एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 और x की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 1।
इन तीनों को अलग अलग जीरो ले तो आपके पास एक दफा जीरो आएगा, एक दफा प्लस वन और एक दफा माइनस वन। अब मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा माइनस वन से जीरो और जीरो से वन, अगर मैं दो कंडीशन ले लेता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि माइनस वन से जीरो में क्या मेरे पास ये जो है ये आपके पास इसके अंदर की कोई वैल्यू ले लें तो ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, और अगर जीरो से वन में कंसिडर करता हूँ तो जीरो से वन के दरमियान में क्या ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अच्छा मैं ले लेता हूँ माइनस जीरो पॉइंट फाइव, तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस वन और जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन। अब माइनस नंबर लेना था माइनस वन और जीरो के दरमियान में, मैंने ये नंबर कंसिडर कर लिया, तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। इस पे जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं 0 और 1 ले लेता हूँ, 0 और 1 के दरमियान में प्लस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 1 और प्लस 0.5 आपके पास आ जाएगा, तो ये 0.5 और यहां से आ जाएगा माइनस 0.5 और प्लस 1.5। अब एक माइनस है दो प्लस है तो आंसर आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, यानी यहां पे वाई क्या है लेस देन 0 और यहाँ पे y क्या है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है इस पे भी आपके पास दो वाली लिमिट्स, यानी दो अलग अलग लिमिट्स लगाएंगे एरिया के लिए, तो एरिया में आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू एक दफा प्लस के लिए, प्लस के लिए आपके पास क्या है माइनस वन से सॉरी माइनस वन से जीरो y और माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो माइनस लगाने से क्या हो जाएगा प्लस, तो कहां से कहां तक जीरो से वन तक y। अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आप एरिया इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस वन से जीरो और माइनस एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डी एक्स डी एक्स और जीरो से प्लस वन। अब सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगूं, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा मेरे पास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी और इक्वेशन बन के मेरे पास क्या आ जाएगी एरिया इज इक्वल टू माइनस वन टू जीरो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स माइनस जीरो से वन एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब इनके ऊपर आप इंटीग्रल अप्लाई करें तो एरिया इज इक्वल टू एक्स फोर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट माइनस वन टू जीरो और माइनस एक्स फोर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू और लिमिट जीरो से वन। अब मैंने लिमिट पुट करनी है दोनों के अंदर, सबसे पहले जीरो पुट करूंगा तो जीरो आपके पास ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, वो वाली मैं नहीं लिख रहा या बल्कि लिख देता हूं। तो एरिया इज इक्वल टू जीरो की पावर फोर बाय फोर माइनस जीरो का स्क्वायर बाय टू। अब जब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये दरमियान वाला साइन आपके पास चेंज होकर माइनस हो जाएगा और ये वाला सॉरी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होने, तो माइनस माइनस वन पावर फोर बाय फोर और प्लस माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब इसके ऊपर लिमिट पुट करूंगा, इस पर लिमिट पुट करते हुए ये माइनस आपके पास इसको अंदर लिख दूं तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। पहले अपर लिमिट तो माइनस वन पावर फोर बाय फोर प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि आपके पास अब लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, तो जीरो पावर फोर बाय फोर प्लस जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। सॉरी यहां पे माइनस आएगा लेकिन फर्क इसे नहीं पड़ेगा ये जीरो है। अच्छा अब इनके ऊपर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू ये दो टर्म जीरो और ये दो टर्म जीरो, ये माइनस और माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा प्लस वन यानी माइनस वन बाय फोर, ये आपके पास माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन तो प्लस वन बाय टू, ये आपके पास माइनस वन बाय फोर और ये प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय टू। एलसीएम एरिया इज इक्वल टू फोर एलसीएम माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस टू ये कैंसल आउट, एरिया इज इक्वल टू टू बाय फोर और इज इक्वल टू वन बाय टू स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स। सिर्फ और सिर्फ ये चीज कंफ्यूजिंग है, अगर मैं वाई निकालना चाहूं तो वाई क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट
थ्री माइनस एक्स। अब नेगेटिव वाला मैं कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो वाई जो मैं कंसिडर करूंगा वो करूंगा थ्री माइनस एक्स, और मेरे पास जो लिमिट है वो है माइनस वन से टू तक। लिमिट कहाँ है? माइनस वन से टू तक। इसमें मैं माइनस वन से टू तक सारी वैल्यूज के लिए मेरे पास आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है वाई इज ग्रेटर देन जीरो इनके लिए। अब यानी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट को मैं लिख रहा हूं थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स, और माइनस वन से टू मेरे पास लिमिट है। अच्छा, ये एक फंक्शन है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए ताकि हम उसकी पावर में ऐड और डिवाइड कर सकें। तो थ्री माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है माइनस वन, तो मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई और माइनस वन से मल्टीप्लाई, माइनस से और माइनस से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव अब फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू माइनस वन ये वाला, और यहां पे थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस वन, और लिमिट कहां से कहां था का मेरे पास? माइनस वन से टू तक। अब एरिया इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपके पास थ्री बाय टू, ये भी थ्री बाय टू, और ये हो जाएगा टू बाय थ्री क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे, तो टू बाय थ्री टाइम थ्री माइनस एक्स पावर थ्री बाय टू और माइनस वन से टू तक, ये आपकी लिमिट माइनस वन से टू। अब ये जो माइनस है ये पहले में तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस टू बाय थ्री, थ्री माइनस टू की पावर थ्री बाय टू, लेकिन जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक माइनस उसका भी आना है, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस टू बाय थ्री, थ्री माइनस माइनस वन की पावर थ्री बाय टू, ये लिमिट्स हैं, तो यही होगा। अब आपके पास को सॉल्व कर ले, तो एरिया इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री, थ्री माइनस टू वन की पावर थ्री बाय टू, प्लस टू बाय थ्री, थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर पावर थ्री बाय टू, वन की कोई भी पावर हो आंसर वही आना है, ये टू और टू कट जाएगा, फोर की पावर थ्री, एरिया इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री प्लस, बल्कि सॉरी फोर टू का स्क्वायर होगा, टू का स्क्वायर, टू पावर थ्री एट, एट मल्टीप्लाई बाय टू सिक्सटीन बाय थ्री, एलसीएम थ्री आ जाएगा आपके पास, माइनस टू प्लस सिक्सटीन, और एरिया आपके पास आ जाएगा फोर्टीन बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। लेकिन कॉस माइनस पाई से पाई अगर मैं बनाता हूं, मेरे पास जो ग्राफ है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ अगर माइनस पाई से पाई के दरमियान बनाया जाए तो वो कुछ यूं करके बनेगा, यू और यू। तो इसका मतलब ये है कि आधा एरिया ऊपर है और आधा एरिया नीचे, अगर मैं इसको यहाँ पे बाउंड्री कर देता हूँ तो यानी ये दो एरिया आपके पास नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉस एक्स बाय टू है। कॉस एक्स बाय टू का मतलब है कि एक्स बाय टू का मतलब ये है कि ये ग्राफ यूं करके बनेगा, ये वाले दो बीच में नहीं आएंगे, ये एक्सपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो सारी की सारी माइनस पाई से पाई तक सब में आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब मैं इधर माइनस पाई पुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? माइनस पाई बाय टू, और अगर प्लस पाई पुट करूंगा तो वो बन जाएगा पाई बाय टू। तो ये मेरा ग्राफ कुछ यूं करके बन जाएगा, थोड़ा एक्सपेंड बनेगा लेकिन पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू तक है। यानी मेरे पास जो फंक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा? पाई से सॉरी माइनस पाई से पाई, एरिया इज इक्वल टू माइनस पाई से पाई कॉस एक्स बाय टू डी एक्स, और जब मैं इसका इंटीग्रल लूंगा तो एरिया इज इक्वल टू कॉस का होता है आपके पास साइन एक्स बाय टू हो जाएगा, और एक्स बाय टू, अब ये जो फंक्शन है एक्स बाय टू, एक्स बाय टू का जो डेरिवेटिव होता है वन बाय टू होता है, वो साथ मौजूद नहीं था, मैंने बनाया भी नहीं है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा वन बाय टू और माइनस पाए से कहां तक? पाए तक। ये बहुत ही सिंपल सा है, ये आपके पास हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू टू टाइम्स, ये ऊपर जाके टू टाइम साइन एक्स बाय टू कहां से? प्लस पाए और माइनस पाए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एरिया इज इक्वल टू टू टाइम साइन पाए बाय टू माइनस टू टाइम साइन माइनस पाए बाय टू,
अब ये जो एंगल में माइनस है ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एंगल आपके बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एरिया इज इक्वल टू 2 sin π/2 प्लस 2 sin π/2। अब ये 2 + 2 आपके पास 4 हो जाएगा और sin π/2 यानी sin 90° 1 के बराबर, तो एरिया इज इक्वल टू 4 × 1, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 4 square units, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू √2ax − x² व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल ले लें, तो 0 के इक्वल लेने से मेरे पास आ जाएगा 2ax − x², अंडर रूट है तो वो स्केयर लेके खत्म हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 आ जाएगा। इनमें से x कॉमन कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2a − x, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2a। अब ये जो 2a है, a क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है ये आपके पास अपर लिमिट है और ये आपके पास लोअर लिमिट है, तो फंक्शन जो आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर 2a तक एरिया और अंडर रूट 2ax − x² dx। लेकिन ये सिंपली सॉल्व नहीं होगा, सिंपली सॉल्व क्यों नहीं होगा, ये आ रहा है 2ax − x², तो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं। स्केयर कंप्लीट करने का मतलब ये है कि मेरे पास लिखा हुआ है 2ax − x². अब ये जो 2ax लिखा हुआ है ये −x² है, तो 2ax यानी मुझे साथ चाहिए a का स्केयर, क्या चाहिए a का स्केयर, मैं ऐड भी कर रहा हूँ और a का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ +2ax − x², तो ये a² एज इट इज माइनस कॉमन a² − 2ax + x² हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा a² − a − x² या x − a² जैसे आप लिखना चाहे, मैं इसको लिख देता हूं x − a² ये मेरे पास आ जाएगा इसमें। लेकिन मैं कहता हूं जो x − a है वो बराबर है a sin θ के, x − a बराबर है a − sin θ के, क्योंकि a² − x² उल्टा हमारी है, तो x − a बराबर आ जाएगा a sin θ के। डेरिवेटिव लेने तो dx बराबर आ जाएगा a उसी तरह −cos θ dθ, dx a का डेरिवेटिव 0, a एज इट इज sin का −cos θ dθ, तो मेरे पास बन क्या जाएगा, मेरे पास बन जाएगा एरिया, बल्कि एक मिनट पहले मैं लिमिट्स निकाल लूं। सबसे पहले जब मैं 0 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास sin θ 0 − a इज इक्वल टू a sin θ और sin θ इज इक्वल टू −1, क्योंकि −a उधर जाके a डिवाइड हो जाएगा, तो −1 इज इक्वल टू sin θ, और sin θ की वैल्यू −1 कब आती है जी, sin −1 इज इक्वल टू sin−1 = θ, और θ इज इक्वल टू sin की वैल्यू जो आपके पास −1 आती है वो आती है −3π/2 पे, +3π/2, तो मेरे पास एक लिमिट आ गई 3π/2। जब x इज इक्वल टू 0 है तो θ बराबर है 3π/2 के। अब जब x बराबर है 2a के, तो मेरे पास 2a − a इज इक्वल टू sin θ, और 2a − a आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू a sin θ, 1 इज इक्वल टू sin θ, और 1 की आपके पास इनवर्स हो जाएगा यानी sin θ की वैल्यू आ जाएगी π/2 यानी 90°, तो आपके पास लोअर लिमिट आ रही है 3π/2 और अपर लिमिट आ रही है π/2, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा आपके पास। अब फंक्शन क्या बन जाएगा एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट 3π/2, अपर लिमिट π/2, अंडर रूट के अंदर आपके पास ये वाला a² एज इट इज माइनस इसके जगह पे a sin θ का होल स्केयर, और d θ की जगह पे आपके पास आ जाएगा, सॉरी dx की जगह पे −a cos θ dθ, ये मेरे पास dx की जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब इसको मैंने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा कैसे, एरिया
इज इक्वल टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ए स्क्वायर कॉमन कर ले तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर ए आ जाएगा, ये ए आके दोनों ए स्क्वायर होके बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास एरिया इज इक्वल टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ए स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर आ जाएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो अब मेरे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया, कॉस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट, कॉस और कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, आपके पास फॉर्मूला जो यूज करते हैं जब भी कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो वो माइनस ए स्क्वायर थ्री पाई बाय टू पाई बाय टू वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, और ये टू दोनों के साथ ज्यादा ज्यादा कर दे तो डिवाइडेड बाय टू और डिवाइडेड बाय टू डी थीटा। अब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो एरिया इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा आपके पास हो जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि टू का डेरिवेटिव टू डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय फोर लिमिट थ्री पाई बाय टू से पाई बाय टू। अब मैं इसमें लिमिट पुट करने लगा तो एरिया इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू सबसे पहले पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, इस पर लिमिट पुट कर दें तो पाई बाय टू और टू पाई यानी टू थीटा है ना, तो पाई बाय टू आएगा तो सिर्फ थीटा रह जाएगा यानी साइन पाई डिवाइडेड बाय फोर। अब लोअर लिमिट थ्री पाई बाय टू, तो थ्री पाई बाय टू आपके पास हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर माइनस में, लेकिन माइनस थ्री पाई बाय फोर, और ये जो थ्री पाई बाय फोर जब यहां पुट करेंगे तो टू और टू कट जाएगा साइन थ्री पाई बाय फोर रह जाएगा, तो माइनस साइन थ्री पाई बाय फोर। अब साइन पाई जो होता है वो आपके पास होता है 90 डिग्री और वो होता है वन के बराबर, तो एरिया इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस माइनस वन बाय फोर, ये क्योंकि माइनस वन के बराबर है, माइनस थ्री पाई बाय फोर और माइनस साइन थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू आपके पास थ्री पाई बाय टू पे माइनस वन आंसर आता है तो वो हो जाएगा प्लस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर और प्लस वन बाय फोर कैंसिल आउट, इसका आप एलसीएम ले ले तो एरिया इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर फोर एलसीएम पाई माइनस थ्री पाई, एरिया इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस टू पाई बाय फोर, टू वन जार टू 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 जार फोर, माइनस माइनस प्लस तो एरिया आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका आंसर है।